हेलो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 13 बेस्ड ऑन योर सेकेंड यूनिट फॉर सब्जेक्ट सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, सो इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल दिस आरटीडी। RTD stand for resistance temperature detector. So in this lecture we are going to discuss about this RTD, how it works, okay, and how we do the calibration between the temperature and the resistance. Okay, so starting with the some points, important points, like I mentioned over here, this is also known as the resistance thermometer. So जो RTD होता है उसे हम thermometer भी बोलते हैं, but resistance thermometer. Okay, the resistance of the conductor changes with temperature. This property utilized for measuring temperature. So basic principle is simple कि जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा temperature change होगा, okay, जो भी मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस होता है वो वैरी करता है। ओके, ये हम पॉइंट्स पहले से जानते हैं। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज सिंपल कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उस रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। ओके, एंड द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, सो फॉर आरटीडी the relationship between the resistance and temperature is given by this equation. Okay, so where R equal to R naught in bracket 1 plus alpha 1 t alpha 2 t square plus alpha 3 t 3 to the power 3 so on up to alpha n t to the power n. Okay, so here you can see this R naught. ओके, आर नॉट रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर टी नॉट। ओके, सो सपोज एट लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सपोज एट 11 AM यू आर जस्ट स्टार्टेड योर मेजरमेंट। ओके, सो एट टी नॉट मीन्स जहाँ पे आपने अपना प्रोसेस मेजरमेंट का स्टार्ट किया वो पर्टिकुलर टाइम, सो उस टी नॉट पे क्या रेजिस्टेंस है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर नॉट। And we are alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n is temperature coefficient of the resistance. Okay, so for RTD you have to remember this temperature coefficient of resistance is positive. Okay, jo bhi alpha 1, alpha 2, alpha 3 ki values hogi, okay, they will be positive. Okay, so these are the some points regarding the RTD. Now ab hum dekhte hain ki मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर वी हैव वन प्लैटिनम एलिमेंट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लाइक द थर्मोकपल में हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग टू मेटल, डिफरेंट मेटल। ठीक है, बट इन आरटीडी वी आर यूजिंग सिंगल मेटल। ओके, सो वी आर यूजिंग प्लैटिनम हियर, सो यू कैन सी हियर दिस एलिमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स वी कॉल दिस सेंसिंग एलिमेंट। ओके, ठीक है, सो ये हमारा एलिमेंट हो गया सेंसिंग। सो ये आप देख रहे हो दिस पोर्शन इज मेड बाय द प्लैटिनम। ओके, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। नाउ इस प्लैटिनम से फर्दर वी हैव कनेक्टेड सम एलईडीज लीड्स, नॉट एलईडीज, लीड्स फॉर मेजरिंग द योर यू कैन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, और डायरेक्टली यू आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, सो दिस यू कैन से दिस डॉटेड लाइन इज लीड्स वायर। ओके, सो प्लैटिनम इज हियर। नाउ ये जो फ्रेम है यू कैन से हियर दिस इज मेटलिक ट्यूब, मेटल का बना हुआ है, उसके बीच में हमने क्या लगा रखा है, प्लैटिनम एलिमेंट लगा रखा है, सेंसिंग एलिमेंट लगा रखा है। ठीक है, this is the leads for measuring the electrical quantity. Now you can see here this porch threads for mounting.
ओके सो ये हमने कुछ वायर यूज़ किए हैं, थ्रेड्स यूज़ किए हैं अपने आरटीडी को माउंट करने के लिए। ओके सो होगा क्या, व्हेन टेम्परेचर इज़ गोइंग टू चेंज, ओके सो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा इसका जो मेटल का है वो रेजिस्टेंस हमारा चेंज होगा, ठीक है। सो वो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे एज ए आउटपुट हम उसे कैलिब्रेट कर लेंगे। ओके नाउ कैलिब्रेशन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द योर वी टू स्टोन ब्रिज। ओके जो हमने लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, ओके जो हमने मेजर किया था LVDT बेस्ड डायफ्राम, सो वहाँ पे हमने वीट स्टोन ब्रिज यूज़ किया था। सो सेम वी डू इन दिस केस। ओके क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, सारा क्लियर कर देता हूँ और एक डायग्राम बना देता हूँ फटाफट। सो विद दिस हेल्प यू कैन मेजर दी Okay, so here we have connected this. Okay, now let's see, this is R. Okay, so अब जो ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, जो आप ये लीड्स देख रहे हैं, इन लीड्स से वी हैव कनेक्टेड दिस। सो वी कैन से कि यहाँ से जो लीड्स हैं, वी कैन कनेक्ट दिस लीड्स हेयर। ओके हियर सम वोल्टेज इज अवेलेबल, ओके वी आर सप्लाइंग सम वोल्टेज ओवर हेयर। ओके सो ये जो RTD है दैट विल वर्क फॉर एज ए R4 क्या होता है, हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हमें मेज़र करना होता है। सो एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, सपोज वी आर कनेक्टिंग 1 वोल्ट मीटर, ओके सो वोल्ट मीटर वी हैव कनेक्टेड। सो होगा क्या, जैसे ही बैलेंस कंडीशन होगी इसमें क्या, देयर विल बी इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है, करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मीन्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, ज़ीरो होगी। नाउ जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होगा, RTD का रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी, मीन्स यहाँ पे कुछ यू विल गेट सम वोल्टेज वैल्यू, और ये जो R4 की वैल्यू है दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ द LVDT बेस्ड ड्राइव। ओके सो दिस इज कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स of the RTD. Okay, so we are using one platinum element, so हमने LED से लीड से कनेक्ट करके we are measuring here the electrical quantity, okay, and one metallic tube, and we use this threads for mounting, means उस RTD को fix करने के लिए कहीं भी। Okay, if I talk about the, we suppose you have system, okay, आपके पास ये सिस्टम है कोई, ओके सो इस सिस्टम का आपको अगर टेम्परेचर मेज़र करना है, सो इसके अंदर कुछ सर्किट्स है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस RTD को जो आप ये देख रहे हो, इसको इसके अंदर इस तरह से आप डाल दोगे। सो यू हैव टू फिक्स दिस हेयर, सो ये जो आप थ्री देख रहे हैं इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए। सो ये RTD इस बॉक्स के अंदर होगी, तो इस सिस्टम का कुछ टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा होगा, उसको ये हम लीड्स के थ्रू वी कैन मेजर दें। ओके नाउ मूविंग फर्दर, वी यूज़ द प्लैटिनम मटेरियल बिकॉज इट इज़ मोस्ट सुटेबल टू बी यूज एज RTD, ओके सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, एंड द रेंज इज -263 डिग्री टू 545 डिग्री सेल्सियस, सो समटाइम इट इज़
going up to 800 degree Celsius. So you can see the range of the temperature measurement is very high, minus 263 degree to 800 degree Celsius. Okay, the platinum element is kept in the metallic tube, as we have seen in previous slide. The leads are taken out for connections, for measurements of the, or you can see the measurement of the resistance or electrical quantity. Threads are provided for mounting purpose. Okay, so these are the some points requirement for material to use. High temperature coefficient for resistance, high resistivity should be there, linear over F sufficient range of temperature, stability of electrical characteristic, and sufficient mechanical strength required for mechanically strong. Okay, so from the formula you can see here, R is directly proportional to 2 T. okay, so suppose agar main linearity ki baat karta hu aapse, so input kya hai aapka temperature, and jo output hum measure kar rahe hain wo kya kar rahe hain, we are measuring the resistance. So you can see here the variation is linear. Okay, relationship is linear. So jo jaise jaise hum temperature ko badhate jayenge, resistance aapka increase karta jayega. Clear? So we can do the calibration between the temperature and the resistance. Okay, and resistance ko hum kaise measure kar rahe hain, with the help of the Wheatstone bridge. Okay, so you can find out, or you can do the calibration between the temperature and resistance. Okay, so I think this is all about the RTD construction details. Ho gayi kaise relationship hota hai hamara, kya formula hota hai calculate karne ka, aur relationship between the R and T. Okay, so thank you students.